मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास साइंस में बच्चों आपका लेसन नंबर 1 शुरू किया था। ये नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं ए वायु वी ए जीव। ठीक है बच्चों, ए वायु वी ए जीव अर्थात ऐसे जीव जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे जीव जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उसके बारे में आज अब शुरू करने वाले हैं। ईस्ट जैसे अनेक ऐसे जीव होते हैं जो वायु में तो उपस्थित होते हैं किंतु वायु की अनुपस्थिति में ही ये जीवित रह सकते हैं अर्थात इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे जीवों को हम अवायवीय जीव ही कहते हैं। और ये ऑक्सीजन, ये जो श्वसन क्रिया करते हैं, तो बच्चों ऐसी श्वसन क्रिया करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अवायवीय जीव कहलाते हैं। इनको हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का किण्वन क्रिया होगी, किण्वन क्रिया के द्वारा अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा कम मात्रा में निकलती है, इस क्रिया में जो है ऊर्जा कम मात्रा में निकलती है, किंतु ये अवायवीय जीव हैं जिसको हम ईस्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, जितने भी किण्वन क्रियाएँ जैसे सिरका का बनना, शराब का बनना, ब्रेड इत्यादि बनना, ये सब बिस्किट्स का बनना, ये सब इसी क्रिया के द्वारा होते हैं कि पहले उस कार्बनिक पदार्थों में खमीर उठाया जाता है, ये ईस्ट की क्रिया के द्वारा, और ये अवायवीय श्वसन के द्वारा ही ये संभव होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। और इस प्रकार इसका हम समीकरण को पूर्ण करते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, इसमें फर्मेंटेशन किण्वन की क्रिया होगी, क्या बनेगा बच्चों, अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं तो उस समय एक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। यदि हम गर्म पानी में स्नान करें तो यह ऐंठन समाप्त हो जाती है। कुछ लोग नहाने से पहले अपने शरीर की मालिश भी करते हैं जिससे अपने शरीर की सुरक्षा भी होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाने से उस अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो ये अवायवीय श्वसन जिन जीवों में होता है, ऐसी कमियां जो हैं शरीर के अंदर आ जाती हैं, उनको पूर्ति करने के लिए हम मालिश इत्यादि कर की सहायता करते हैं, या इसके अतिरिक्त हम जो हैं गर्म पानी में करते हैं जिससे पेशियों की वो ऐंठन समाप्त हो जाती है। अब है बच्चों हेडिंग जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन कौन कौन से जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होती है, ये भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। संसार में एककोशिकीय सूक्ष्म जीव, ये एककोशिकीय सूक्ष्म जीव का मतलब होता है बच्चों जो संसार में सबसे छोटे जीव होते हैं उनको एककोशिकीय जीव कहते हैं। जो संसार के सबसे छोटे जीव हैं, सबसे सूक्ष्म जीव है, जिनको हम अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते, उनको एककोशिकीय जीव कहा जाता है। अमीबा से लेकर और जो सबसे बड़ी मछली है जैसे ब्लू व्हेल, ये सबसे बड़ा जीव है, पानी में पाई जाती है। वैसे तो मछली है किंतु स्तनधारी वर्ग में रखा गया है, स्तनधारी होती है। सभी लक्षण मनुष्यों की तरह होते हैं, सभी लक्षण उच्च श्रेणी के जीवों की तरह होते हैं, किंतु फिर भी मछली में जल में रहती है, इसलिए इसको मछली कहते हैं। और व्हेल मछली जो संसार में सबसे बड़ी मछली और सबसे बड़ा जीव माना गया है, तो हम कह सकते हैं। और अमीबा को सबसे छोटा जीव माना गया, तो अमीबा से लेकर के व्हेल तक जितने भी जंतु होते हैं उन जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है, और सभी जंतुओं में श्वसन क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। इनमें से हम कुछ का यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब है अमीबा में श्वसन। अमीबा जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया था कि सबसे छोटा प्राणी एक कोशिकीय जंतु है, जल में पाया जाता है, श्वसन के लिए गैसों का सामान्य मिश्रण पर आश्रित होता है। अपनी ऊर्जा पूर्ति के लिए अमीबा को भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। बच्चों ये जो जीव है अमीबा, इसको अमर माना गया क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है, जल में पाया जाता है और इतना सूक्ष्म है कि इसको हम आँखों से भी नहीं देख सकते, किंतु जीवन संबंधित सभी क्रियाएँ बच्चों इस जीव के अंदर होती हैं, इसलिए इसको सजीव माना गया है। जल में पाया जाता है, जलीय वातावरण में प्राप्त ऑक्सीजन से कोशिका कला और अमीबा में प्रवेश करती हैं। उसी समय अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अमीबा की कोशिका कला द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। जल की अधिकांश मात्रा संकुचित रिक्तिका और कोशिका कला से बाहर निकाल दी जाती है। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये अमीबा का चित्र है। बच्चों इसमें आप कहीं ये नहीं ढूंढ पाएंगे कि श्वसन क्रिया कौन से अंग से होती है, किंतु इसकी जो मेम्ब्रेन है
जो बाहर की झिल्ली है उसी से तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, और उसी झिल्ली के द्वारा ऑक्सीजन शरीर से बाहर निकाल उसी झिल्ली के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, और इसी प्रक्रिया से इसकी ऑक्सीजन क्रिया श्वसन क्रिया पूर्ण हो जाती है। कोशिका मेम्ब्रेन के द्वारा ही यह ऑक्सीजन लेता है, और कोशिका मेम्ब्रेन के द्वारा ही कोशिका झिल्ली के द्वारा ही यह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल देता है। जल का आवागमन होता रहता है, ऑक्सीजन अंदर पहुंचती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। बच्चों दूसरा जीव है केंचुआ, आप जानते हैं अर्थवर्म, इंग्लिश में अर्थवर्म बोलते हैं और गांव हिंदी में इसको केंचुआ कहते हैं, जो बरसात के दिनों में सबसे अधिक दिखाई देता है। केंचुआ मिट्टी में पाया जाने वाला जीव है। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन त्वचा द्वारा प्रवेश करते, इसमें भी कोई नासा छिद्र नहीं होते, ये भी श्वसन क्रिया जो करता है त्वचा के द्वारा ही करता है, क्योंकि त्वचा से ही इसकी ऑक्सीजन अंदर जाती है, और केंचुए की कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उत्पन्न अंदर होती है वो भी त्वचा के द्वारा बच्चों बाहर निकाल दी जाती है। गैसों का अदलना बदलना, जो गैसों का विनिमय होता है, विनिमय कहते हैं बच्चे अदलना बदलना, ये सब त्वचा के द्वारा ही होता है। अब क्योंकि उस विनिमय तभी होगा जब त्वचा नम बनी रहती है, और नमी के कारण ये है मिट्टी में धंसा हुआ आपको दिखाई देता है, छोटे छोटे बिल बनाकर ये मिट्टी में रहता है, और वहाँ से ये नमी मिट्टी की सोखता रहता है, जिससे ये श्वसन क्रिया बराबर कर सके। अगर त्वचा शुष्क हो जाएगी, ये ज़मीन के ऊपर चला आ जाएगा, तो ये जीवित नहीं रह सकता। आपने देखा होगा बच्चों ये मिट्टी पर या ज़मीन पर ऊपर कब दिखाई देता है, बरसात के मौसम में दिखाई देता है, क्योंकि नमी की मात्रा अधिक रहती है और ये उसको सहन नहीं कर पाता है, सूर्य की गर्मी को सहन नहीं कर पाता है, और अगर सूर्य की गर्मी ही इसको बराबर मिलती रहती है तो ये है जो है इसका जीवन समाप्त हो जाता है, श्वसन क्रिया ये नहीं कर पाता। इसलिए नमी बनी रहे तो ये अपना जो है तुरंत ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है बच्चों।